गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं रात को ब्लॉग बना रही हूँ और मैं मेहंदी लगा रही हूँ अपने हाथ में, और सामने से दीदी लोग का फ़ोन आ रहा है कि आ जा यहाँ पे, आ जा कि थोड़ा सा मेरे लिए लगा दे, क्योंकि तो दीदी की बेटी लगाती है ना खुशी, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, बट अभी वो कहीं गई है कहीं लगाने अपने जेठी माँ लोग के वहाँ, इसलिए। और मैं नवी यहाँ पर घूम रहे हैं, नवी ने जाना है रामलीला देखने, तो उसके पापा और नवी दादी लोग सब रामलीला देखने जा रहे हैं, और मैं और मैं दीदी लोग के यहाँ चलती हूँ। हमारी मेहंदी मेरी तो बहुत बेकार लग रही है पीछे की। दीदी आप दिखाओ, मेरी शक्ल से दिखा लो। शक्ल मत, हाँ हाँ यहाँ रखो, शक्ल मत दिखा बस, पर हाथ ही अच्छे नहीं, पलटो। मेहंदी नहीं लग रही अच्छी, कोई बात नहीं, भरा तो लग रहा है, बस इतना ऐसा चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तो दीदी आप दिखाओ अपना हाथ, कहाँ से दीदी के तो लगे ही नहीं है ये आधा टुके टुके में। वीडियो बना रहे, हाँ मैं वीडियो बना रही, जोर से बोलो। शक्ल मत बना रहे मेरी, सकल क्यों दीदी ने ना अभी प्लीज हेयर मास्क लगाया, इतने रात को 12 बजने वाला है, तब दीदी चाह रही है कि मैं कैमरे में ना आऊँ, है ना, कोई बात नहीं किसी और दिन ले लेंगे। और हम यहाँ पे बैठे हैं, अब हमारे घर वाले सब रामलीला देखने गए, हमारा घर दिख रहा है खिड़की से सामने बिल्कुल। खुशी ने लगानी थी मेहंदी बट खुशी है नहीं यहाँ पे आज, तो हमें फतोड़े एक दूसरे के। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी करवा चौथ। तो अभी मेरे एक हाथ में मेहंदी लगी, एक में नहीं लगी हुई है, और मैंने ये चूड़ियाँ पहनी हुई हैं पिंक कलर की, और मैंने सूट डाला हुआ है, और ये कोरा सूट है मेरे पास, तो मैंने इसे डाला भी नहा के, और मंदिर में अभी मैंने कुछ काम नहीं किए हैं। ये देखिए बैग की मेहंदी और ये फ्रंट की। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सब सामान जो श्रृंगार का देने वाला मैं पैकेट बना रही थी सबके, तो इसलिए मैंने सोचा चलो फटाफट से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और ये ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ। तो सुबह से तो फास्ट है, इतनी ताकत भी नहीं बोलने की, तो बस स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। नव्यांश और मैं दोनों बैठे हुए हैं, नवी आपको दिखाना चाह रहा है। अभी हमने ये सामान निकाला हुआ है, ये देखिए, ये नवी बैठा हुआ है मेरे साथ, और ये कुछ हैंकीज है उसमें रखने के लिए, तो फटाफट से पैकेट बनाते हैं। तो गाइज अभी हम पैकेट इसलिए बना रहे हैं, रात को पूजा करने के बाद तुरंत मैं सबको बांट देती हूँ, तो उस समय जल्दीबाजी में कुछ नहीं हो पाता है और रात तक तो तबीयत वैसे ही ख़राब हो जाती है। तो फटाफट मैं दिखाती हूँ, मैंने कुछ लिफाफे बनाए हुए हैं पहले से ही, तो ये देखिए मैंने लिफाफे बना रखे हैं न्यूज़ पेपर से खुद ही, तो फटाफट से करते हैं। मैं दिखाती हूँ जो मम्मी लोगों के लिए हैं, ये हैं चूड़ियाँ इस टाइप की, और दो हैं ये वाले, और ये करे ये है। अरे यार देखो मैं दीदी से करो मंगाया था, दीदी आप लोग तैयार भी हो गए, कहाँ जा रहे हो आप लोग तैयार होते, दीदी के घर, हम तो ऐसे रहते घर में बोरिंग, दिखाओ तो अच्छा। चलो तुम भी चलो, साड़ी कितनी सुंदर आवाज आ रही है, छम छम दिखाओ। अच्छा बड़ी घुंघरू वाली पायल पहने हैं, हम तो ऐसे हैं बोरिंग से। तो गाइस अभी 4:30 हो रहा है, और मैंने यहाँ पे आलू उबाल के मेक ले रखे हैं, और मेरी यहाँ पे खीर बन गई है, और मैंने एक हाथ में मेहंदी लगाई है एक में नहीं लगाई है, तो खुशी आ रही है सामने से अभी मेहंदी लगाने के लिए, तो मेहंदी लगाते हैं। आलू उबल रहे हैं मेरे, आटा वगैरह सब मैंने भून दिया है, फटाफट सब्जी बना दूंगी। तो गाइस हमारी पूजा भी हो गई, खाली मैंने पिछौड़ा डाला था, कपड़े पहने थे, और मैं दिखाती हूँ मंदिर, ये देखो ये करवा चौथ के हमने माता यहाँ पर रखे हैं, ये करवे हैं हमारा सामान है, दिखाओ तो रुचि साड़ी दिखाओ, चाचू हटो यार बहुत लग रहा है कैमरा में, अच्छा लग रहा है सिंपल साड़ी ना, अच्छी लग रही है, क्या हुआ खुशी, अच्छा इतनी मेहंदी लगा दी खुशी ने मेरी, अभी बाकी है इसलिए मैंने कुछ नहीं पहना, कुछ नहीं पहना मतलब पहने कपड़े, मतलब वैसे नहीं पहना कुछ भी, तब शाम को रेडी होंगी मैं, तो
तो इससे आगे मेहंदी बढ़ाते हैं। अभी मम्मी के लगा रही है खुशी। चाय पीगी? नहीं पीती है वो, सब पीती है। तो गाइस मेरी मेहंदी देखो ऐसे लग गई है, पैक से ये निकल भी गई है थोड़ी सूख के। ये और ये बैक साइड है, ये मैंने अपना आप लगाया है। मैंने मतलब उल्टा हाथ से अपने पीछे साइड लगाया था, किसी को लेट हो रही थी तो उसने यहाँ पे लगाई है। अभी बहुत अच्छे से सूख गई, कितनी अच्छी लग रही है ना, बारीक बहुत सुंदर लग रही है। तो इसे मैं धो लेती हूँ। तो गाइस अभी हो रहे हैं 7:13 और यहाँ पे दूध गर्म हो गया है। मैंने आलू टमाटर के जो झोल बोलते हैं ना, तरी वाली सब्जी बनाई है और इसमें आलू की सूखी सब्जी बनाई है अपने लिए, मुझे पसंद है। और हम सूखी सब्जी हमेशा कद्दू भी बनाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ बनाते हैं नहीं बना रहे हैं क्योंकि वेस्ट होता है, इतना खाया नहीं जाता व्रत के दिन। और यहाँ पे बनाया मैंने रायता, यह है हमारी चावल की खीर। और अब हम यहाँ बनाने जा रहे हैं यहाँ पर पूड़ियाँ, गर्म गर्म पूड़ी बनाते हैं। हाँ, और मैंने पोहे का बैटर, जो मीठे पोहे होते हैं ना उसका बैटर मैंने भिगाया था। एक मिनट, हाँ यहाँ पर सामान सामान हो रहा है ना काफ़ी, तो मैं आप लोग को दिखा नहीं पा रही हूँ। एक मिनट, तो ये देखिए मैंने ये बैटर भिगा रखा है दिन से। सूजी है, इसमें सौंफ डाले मैंने, कुछ बारिश में बनाना भी डाला है मैंने। इसके मीठे से मीठे पूए बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, यम्मी। तेल गर्म होता है जब तक, तब बनाते हैं। सब्जी जो है रेडी हो गई है, तो इसे ढक देते हैं बस। वो गर्म करते हैं, फटाफट बनाते हैं भाई, भूख भी लग रही है और चांद भी आ जाएगा, 7:30 होने वाले हैं। और वही है, काम करते करते टाइम बनता है। पूड़ी और रोटी, मतलब और जो रोटी खाते हैं उनके लिए रोटी बना के रख देते हैं और पूड़ी बना रहे हैं हम। इसमें हम बना के रखते हैं, इसमें न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ, फॉइल से ज़्यादा अच्छा न्यूज़पेपर होता है मुझे लगता है वैसे, घर के यूज़ के लिए। मैंने ये न्यूज़पेपर लगा लिया है, इसमें पूड़ी और वो रखेंगे। और मुझे मतलब ना ऐसा हो रहा है, वॉमिट जैसा हो रहा है, होने वाले है। क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? फटाफट से मीठे कुएं से शुभारंभ करते हैं। नवी इधर आओ, गाइस मेरा बहुत काम हो गया, मतलब सभी हो गया। मैंने रोटी बना दी आधी और पूरी पूरी वहाँ रखी हुई है, खीर मेरी बनी है, सब कुछ रेडी है। और तब तो मैं जाती हूँ अब रेडी होने के लिए, ठीक है। मैं हो गई रेडी, नहीं दिख रहे यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे मेरी देवरानी पूजा कर रही है रुचि, और देवर जी की ड्यूटी यहीं है देहरादून में ही, बट वो आ नहीं पाएंगे अभी, तो फ़ोन में ही व्रत खोल ली है। उसके बाद हम पूजा करेंगे क्योंकि उसे देर हो रही है ना देवर जी को, इसलिए वो फटाफट से पूजा कर रही है।
उधर से आएगी शायद। दादी टाइम भी ना हो गया, टाइम हो गया रामलीला जाने का। चलो जाते हैं रामलीला। तुम चलो ना रामलीला। लो तू तू और खाते तू। आई हूं काची तो जी। ये रुको भाई, रुको रुको खींचो बैठ। दादी चलो आप दादी से फोटो खींचो भाई, ऐसे रुक इस तरह। तो गाइस अभी हम प्रसाद बांटने जाने हैं और काम करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और अगले व्लॉग में मिलते हैं।